अगर रोज सुबह नाश्ता बनाते वक्त आप भी होते हैं परेशान कि भाई आज क्या बनाया जाए, तो चलिए आपकी इस मुश्किल का हल लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक इंस्टेंट रवा उत्तपम की रेसिपी, इतनी बढ़िया कि बच्चे तो बस इसके दीवाने हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ शेयर करूंगी एक टमेटो अनियन की चटनी भी। तो चलिए आज नाश्ते में लगाते हैं कुछ साउथ इंडियन तड़का और बनाते हैं रवा उत्तपम और उसके साथ अनियन टमेटो की चटनी। देखिए उत्तपम जो ट्रेडिशनली बनता है ना, उसमें दाल चावल को भिगो करके रखा जाता है, उसे फर्मेंट किया जाता है, फिर उसे उत्तपम बनते हैं। लेकिन हम क्योंकि इंस्टेंट उत्तपम बनाने जा रहे हैं, हम बनाएंगे इसे रवा के साथ। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इतना आसान कि आप इसे 10 मिनट में बना लेंगे। अभी तो इंस्टेंट रेसिपी है ना, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले रवा ले लेंगे और इसे सो करके रखेंगे। अब इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ा पानी और इसी के साथ साथ दही भी, और इनको कर लीजिए आप मिक्स। अब कितना रवा, कितना पानी, कितना दही, मैं जो रेशियो फॉलो करती हूँ उसके हिसाब से जितना मैंने रवा लिया है ना, उसका आधा पानी और आधा दही लूंगी। यानी कि अगर एक कप मेरे पास रवा है तो आधा कप होगा दही और आधा कप होगा पानी। और अब बस इन्हें मिक्स करके मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि रवा फूल जाए और ये सारा सारा मॉइस्चर जो है ना उसे अब्सॉर्ब कर ले। तो तब तक क्या किया जाए, तब तक इन सारी वेजिटेबल्स को मैं चॉप कर लूँ जो मेरे पास यहाँ रखी हुई हैं। तो पहले उत्तपम के लिए वेजिटेबल्स को चॉप कर लेती हूँ कैप्सिकम, इसे चॉप कर लेंगे रफली, आप छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लीजिए जो टॉपिंग पे जाएंगे, जैसे हम पिज्जा की टॉपिंग बनाते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे। कैप्सिकम डन, लेट मी सेट दिस असाइड। और अब प्याज चॉप कर लिया जाए। अब इसके बाद टमाटर, चाहे तो थोड़ा सा गाजर भी इसमें कट करके ऐड कर सकती हैं, इसी तरह से इसको भी चॉप कर लूंगी। तो कैरेट्स ऑल्सो डन, और अब एक दो हरी मिर्च ये भी ले लेते हैं। अगर आप हरी मिर्च की तीखापन जो है वो कम करना चाहें तो बस इसके बीज निकाल दीजिए, और इसी के साथ साथ थोड़ी हरी धनिया भी। तो ये हरी धनिया भी हो गई, यानी कि उत्तपम की सारी वेजिटेबल्स मैंने चॉप कर ली। पहले इन्हें हटा लिया जाए। अब अनियन टमाटो यानी कि प्याज टमाटर की चटनी इसके साथ बनाएंगे। अच्छा, बढ़िया बात यह है कि ये प्याज टमाटर की चटनी आप इडली के साथ, डोसा के साथ, वड़ा के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, और उत्तपम के साथ तो ये एज अ सॉस काम करती है। तो बनाया जाए। उसके लिए भी क्या चाहिए, ऑफकोर्स प्याज चाहिए और टमाटर चाहिए। तो पहले प्याज को मैं रफली चॉप कर लेती हूँ। तो ये अनियंस मैंने चॉप कर लिए, अब टमेटोज, इनको भी मैं रफली चॉप कर रही हूं, बहुत फाइन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा अदरक भी मैं काट लेती हूं, इसको भी रफली चॉप कर लीजिए, और इसी के साथ थोड़ा सा गार्लिक भी। अच्छा, कितना प्याज और कितना टमाटर, जितना आपने प्याज लिया है ना, कम से कम उसका 3 गुना
या 4 गुना टमाटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तभी इस अनियन टमाटो की चटनी में असली स्वाद आएगा। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। जब ऑयल हो जाएगा गरम, सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 छोटा चम्मच सरसों के दाने, और इसके साथ ऐड करूंगी इसमें 1 छोटा चम्मच चने की दाल और 1 छोटा चम्मच उड़द की दाल भी। और अब क्या करना है, इन दानों को भी गोल्डन कर लेना है हमको, तो इसे थोड़ा सा स्टर कर लीजिए और दालों को हो जाने देते हैं हम थोड़ा गोल्डन। दालों में भी जब आ जाएगा अच्छा सा कलर, ऐड कर दूंगी इसमें मैं 4 से 5 खड़ी लाल मिर्च तोड़ के। अब लाल मिर्च को भी आप फ्रेग्रेंट हो जाने दीजिए, और इसके बाद ऐड करूंगी इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन। अच्छा, ये लहसुन ना ऑप्शनल है, अगर आप गार्लिक ना ऐड करना चाहें तो यू कैन स्किप द गार्लिक, बट आई डू। और इसी के साथ साथ बारीक कटा हुआ अदरक भी। इनको भी स्टर कर लीजिए, अदरक और लहसुन को हो जाने देते हैं हम फ्रेग्रेंट। ऐड करेंगे इसमें चॉप्ड अनियंस। अनियंस को थोड़ा सा पिंक हो जाने देंगे। एट दिस स्टेज मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक भी ऐड कर दे रही हूँ, ऐसा करने से मेरे जो अनियंस है ना वो जल्दी से पक जाएंगे। अनियंस भी पिंक हो चुके हैं, एंड लेट मी टेल यू, इस वक्त वो दालों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अदरक लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और अब ऐड कर रहे हैं हम इसमें ये टमाटर। अदरक लहसुन टमाटर प्याज लाल मिर्च ये दालें, इन सब को हम कुक कर लेंगे जब तक ये टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो टमाटर भी गल चुका है, स्किन ने फ्लैश को छोड़ दिया है, प्याज हमने ऑलरेडी गुलाबी कर लिया था। अब गैस को करते हैं बंद, इसे कर लेते हैं हम ठंडा और मिक्सी में पीस के इसे इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। अनियन टमेटोज अब ठंडे हो चुके हैं, तो इसे मैं अपनी मिक्सी में निकाल लेती हूँ। इसी के साथ ऐड करूँगी इसमें बस 1 टेबलस्पून पानी, और इसे अब पीस लिया जाए, इसका एक पेस्ट बना लें। चलिए भाई, पेस्ट रेडी, अब इसका एक तड़का बना लिया जाए। और तड़के के लिए पैन में ले लेते हैं हम थोड़ा सा ऑयल। तेल हो गया गरम, डालेंगे इसमें सबसे पहले थोड़ी सी सरसों, इसके बाद हींग, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी सी उड़द की दाल, 2 से 3 लाल मिर्च। इन सब को थोड़ा सा फ्रेग्रेंट हो जाने दीजिए, तेल में आ जाने दीजिए इन सारे मसालों का स्वाद। डालेंगे इसमें कुछ करी लीव्स, और करी लीव्स को भी तड़क जाने देंगे। आप चाहें तो एक बढ़िया से कलर के लिए इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी सीधे तेल में, ताकि तेल में आ जाए इस बढ़िया सा लाल मिर्च का कलर भी। और उसके बाद ऐड कर देंगे हम उसमें अपना प्रिपेयर किया हुआ पेस्ट। गैस को करते हैं बंद, और लीजिए हो गया तैयार हमारी चटनी। और अब क्या करना है, उत्तपम। उत्तपम बना लिए जाए ताकि चटनी के साथ उनको एंजॉय कर सके। अब रवा भी फूल चुका है, इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ा नमक। टेस्ट के अनुसार आप ऐड कीजिए इसमें नमक और थोड़ा पानी भी, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो एकदम ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी हो जाए, फ्री फ्लोइंग नहीं, लेकिन हाँ ये अपने आप पैन में फैलना ज़रूर चाहिए। बैटर ऑल्सो डन। अब क्या करूँगी मैं, अपने पैन में डालूँगी मैं 2 से 3 बूंद ऑयल की, और इसे एक टिश्यू पेपर से या फिर किसी क्लीन डस्टर से आप ऐसे पोंछ दीजिए। और अब एक लैडल इसमें भर के मैं अपना बैटर पोर कर दूँगी। Spread it out a bit, और इसे कम से कम
एक चौथाई इंच की मोटाई का मैं छोड़ दूंगी और अब इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी ये सारे वेजिटेबल्स जो मैंने काट करके रखे हुए हैं। स्पून की बाग से इन वेजिटेबल्स को बैटर के अंदर आप प्रेस कर दीजिए और अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। जब आपको दिखाई दे कि ये पूरी सूजी का कलर चेंज हो चुका है और ये अंडर साइड से भी हल्के से गोल्डन हो चुकी है, इसे उठाइए, फ्लिप कर दीजिए और अब थोड़ा सा आप चाहें तो इस पर ऑयल ऐड कर सकते हैं ताकि ये क्रिस्प हो जाए। I'm going to cover this and allow this to cook for another minute. Once the underside is also cooked, इसे हम फ्लिप कर देंगे। और इसे निकाल लिया जाए अब अपनी प्लेट पर। तो ऐसे ही और उत्पम बना लिए जाए। तो देखा कितनी झटपट यानी कि इंस्टेंटली बना ली हमने रवा उत्पम और उसी के साथ साथ एक बढ़िया सी टमेटो अनियन की चटनी भी, यानी कि टमाटर प्याज की चटनी। बस लीजिए इसका मज़ा, चाहे तो सुबह के नाश्ते में या शाम को चाय के साथ। मैं तो इसे कभी कभी डिनर में भी बना लेती हूँ। लाइट है, हेल्दी है और साथ ही साथ में टेस्टी भी है। बस इसीलिए तो मैं जा रही हूँ इसे इंजॉय करने के लिए। आप इसे ज़रूर चेक कीजिएगा, बनाइएगा घर में और मुझे बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपी आपको। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी कर लीजिए ना, तभी तो आपके साथ ऐसी ही बेहतरीन सी रेसिपी शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, अगर आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में जैसे मैंने कहा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।